Hey guys, hi, very very good evening to all of you, and I am in front of all of you, tumhara master teacher Harsh Priyam. So good evening to all of you. Kaisi chal rahi hai mere nanne munne bachcho ki zindagi? How is life going on? How you all doing? All good, all great. Hi Nagendra, Daksh, Skull. Hi Harshil. Harshil abhi thodi der pehle bhi tha English channel pe bhi. Pratiksha, Rishika, Monalisha, Avneek, Pittu, Parth, Saksham, Rajul, Story, Muhammad, Aditya. Very very good evening to all of you. Sare log, hi. So kaisi chal rahi hai zindagi mere bachcho? Sab badhiya? All good, all great. Maza aa raha hai. Hi. Acha roasted Abhishek sir, theek hai, dekh lunga yaar, abhi tak maine dekha nahi hai. Main dekhta hu. 2 minute pray for Abhi sir. Okay, fine. So good evening to all of you. Kaise ho? Sab badhiya? Mast? Kya baat hai? So good evening, hi to everyone. तो गाइज आज हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? बिकॉज आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं. तो उमंग सीरीज का ऑलमोस्ट ये वाला पार्ट एंड होने वाला है. ऑलमोस्ट एंड होने वाला मतलब एरिया रिलेटेड टू सर्कल. इसके बाद मेरे को लगता है सरफेस एरिया वॉल्यूम बचेगा, और सरफेस एरिया वॉल्यूम के बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. तो आराम से निपटा लेंगे अपन. मतलब इट्स लाइक हम लोग बिफोर टाइम चल रहे हैं, इजंट इट? सो ओके, टेलीग्राम ग्रुप ओपन कर दो. बिल्कुल प्रिंस भाई, सॉरी मैं बहुत दिनों से टेलीग्राम पे तो आया ही नहीं हूँ. आई नो, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा फ्री होऊंगा तो मैं आ जाऊंगा. और मैं टेलीग्राम ग्रुप को ऑन कर चुका हूं, तो सारे बच्चे आप लोग टेलीग्राम पे आ सकते हो. और जो बच्चे टेलीग्राम पे हैं, हाय आदितेज, एंड तो मैं टेलीग्राम के लिए भी यहां पे रख लेता हूं इसको. हाय धोनी, हाय प्रिंस, कैसे हो बेटा? सब बढ़िया, मजे में? चलो तो शुरू करें. महक बोलो प्लीज़. महक बोलूँ? ओके. हाय महक, कैसी हो बेटा? सब बढ़िया. चलो तो शुरू करें आज का सेशन. जल्दी बताओ, शैल वी स्टार्ट? शुरू करते हैं जल्दी. यस सर, कैसे हो आप? यार बढ़िया हो प्रिंस भाई, सॉरी पलक. पलक बेटा मैं बढ़िया हूँ, जिंदगी कट रही है अच्छी, ठीक है. थोड़े से सेशंस हैं बाकी, अभी थोड़ा फ्री हो जाऊंगा. तुम्हारे जब मिड टर्म्स वगैरह चलेंगे तो फिर लाइफ चिल है. 22-27 शायद कोई सेशन नहीं हो, मतलब लाइव सेशन नहीं होगा, आपके सेशंस तो होते रहेंगे. तो या मजे में है. चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट, शुरू करें. जल्दी बताओ. यस ओके. हाय. अरे यार सबको हाय. ओके सो आई एम एबल टू सी 370 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग राइट नाउ. सो कैन आई जस्ट एक्सपेक्ट अ थम्स अप फ्रॉम ऑल ऑफ यू इफ वी आर रेडी टू स्टार्ट? शुरू करने के लिए अगर हम लोग रेडी हैं तो एक थम्स अप बनेगा जल्दी. गजब. हाय हर्षिल भाई. ओके, नाइन्थ कब लोगे? यार मंजू, मैं नाइन्थ कब लूंगा ये बात तो मुझे खुद को नहीं पता, बिकॉज टेंथ लेने के बाद ही टाइम नहीं बच रहा, तो नाइन्थ लेने का थोड़ा डाउट लग रहा है, बट स्टिल देखते हैं, शायद ले लूँ. ओके चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन, हियर वी स्टार्ट. अच्छा ये पहले से स्टार्ट हो चुका है क्या? मैंने नहीं इसको बढ़ाया था आगे. हाँ ये ऑटोमेटिक. अच्छा ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो. पहली वाली चीज बताने की जरूरत नहीं है शायद मुझे तुम लोगों को, कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता क्या है. तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल तो यार सिंपल सा 2πr होता है, और एरिया ऑफ सर्कल भी बताने की जरूरत नहीं है कि πr² होता है. तो ये सिंपल सी चीज है, आगे बढ़ते हैं. अब ऐसा कुछ सर्कल दिखता होगा. हाँ दिखता है बिल्कुल. और इस सर्कल में ये जो पेरीमीटर का मतलब है वो बाहर का बाउंड्री होता है. बाउंड्री, पेरीमीटर जो कह लो, तो दैट इज पेरीमीटर. ये 2πr होता है, और रेडियस r, डायमीटर का वैल्यू होता है 2r. ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं पाई के बारे में. तो पाई, ये फॉर्मूला जो है ये कहां से आया? तो मुद्दे की बात ये है कि पहले एक जमाने में अपोलोनियस चाचा, आर्यभट्टा आई गेस, हाँ आर्यभट्टा या अपोलोनियस, जो भी चाचा हैं, सब चाचा ही थे. तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि इन्होंने बनाई सर्कल, और इस सर्कल का होता है एक डायमीटर. तो इन्होंने हमेशा जब भी इन्होंने क्या किया कि सर्कल का पेरीमीटर लिया, और पेरीमीटर को डायमीटर से डिवाइड किया. पेरीमीटर को डायमीटर से डिवाइड किया, और ये इन्होंने देखा कि जब भी वो ऐसा काम कर रहे हैं, लाइक एक सर्कल बनाया बड़ा, फिर उससे छोटा सर्कल बनाया, फिर और छोटा सर्कल बनाया, फिर बहुत ही बड़ा सर्कल बनाया, हर केस में पेरीमीटर बाय डायमीटर का वैल्यू सेम आ रहा था. एवरी टाइम वो वैल्यू 3.14 के आसपास आ रहा था, ठीक है, जब भी वो कर रहे थे. तो वहां से उनको समझ में आया कि अच्छा इसका मतलब पेरीमीटर बाय डायमीटर, जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया उससे उनको ये समझ में आया कि भाई पेरीमीटर बाय डायमीटर एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है. तो वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? तो वो लोग इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे, मतलब वो 3.14329 मतलब वो जाते जा रहा था.
और वहीं से इजाद हुआ पाई का. तो पाई जो पहली बार दुनिया में आया तो उन वो इसी दिन उसका बर्थडे था जिस दिन ये एक्सपेरिमेंट हुआ, और उस दिन पाई दुनिया में आया अपनी किलकालियों के साथ. और पाई ने पूरी दुनिया देखी और लोगों ने भी पाई को देखा कि ओके ऐसा दिखता है पाई. तो बचपन में इसके बाल बड़े थे ऐसा, फिर मुंडन हुआ तो इसके बाल छोटे कर दिए गए. तो अब ये शरीफ बच्चा है, इधर से भी बराबर ऐसे इसके बाल दिखते हैं. तो पाई का जन्म हो गया, अच्छी बात है. फिर जैसे जैसे पाई बड़ा हुआ तब लोगों ने जाना कि अच्छा ये अच्छा बच्चा नहीं, बदमाश है, ये रैशनल नहीं इरैशनल है, और इसीलिए इसकी थाह लगा पाना मुमकिन नहीं था. थाह मतलब डेप्थ ऑफ पाई मतलब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पाई जा सकती है. तो लोगों ने बताया कि अच्छा भाई ये इरैशनल है, और यहीं से पाई का जन्म हुआ जिसको हम कहते हैं पाई और पेरीमीटर. और फिर लोग ऐसा समझते हैं कि यार हम लोग ना पाई मतलब ऐसा फॉर्मूला हुआ तो यहां से हम लोगों ने पेरीमीटर का फॉर्मूला निकाला, बट ऐसा नहीं है. पेरीमीटर का फॉर्मूला पहले से पता था हमें और पाई हमें बाद में पता चला, ठीक है. तो अगर पेरीमीटर तुम्हें पता हो तो ये 2πr डिवाइडेड बाय डायमीटर. देखो मैं बताना ये चाहता हूं कि पेरीमीटर होता है 2πr, डिवाइड करोगे अगर 2r से तो तुमको दिख रहा होगा कि हां आर्यभट्टा चाचा ने सही काम किया था. 2r और 2r कैंसिल होके ये पाई आ रहा है. तो यही एक फिक्स्ड रेशियो था. उस वक्त पेरीमीटर की वैल्यू उनको नहीं पता थी, तो पहले पेरीमीटर की वैल्यू नहीं पता थी कि फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले उनको पाई पता चला, फिर पाई की मदद से उन्होंने फॉर्मूला बनाया, ठीक है. टुडे इज माय बर्थडे सर, टेक माय नेम. हाय महक, कैसी हो बेटा? बेटा महक, तुम्हारे भी बाल पाई की तरह बड़े तो नहीं है? ओके सर, मजा आ रहा है. अच्छा, वेरी गुड, ठीक है. चलो अब आगे बढ़ते हैं. टुडे इज माय बर्थडे, सबका बर्थडे है क्या? पाई की आत्मकथा, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, ये थी पाई की आत्मकथा. तो ये था पाई की जीवन का थोड़ा सा बचपन का हिस्सा कि कैसे कैसे पाई बड़ा हुआ, और अब तो तुम सब जानते हो कि पाई कौन है. तो पाई इज अ फेमस पर्सनालिटी नाउ. तो अगर पाई के बारे में पता चल गया हो तो अब आगे बढ़ते हैं, अगली चीज जानते हैं. तो आर्यभट्टा चाचा ने कुछ काम किया था रामानुजन के साथ और मिलके पाई बना दिया. तो यहां से शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन. तो सारे लोग रेडी हो जाओ, लेट स्टार्ट. ओके सो हियर वी गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. सारे लोग ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर. क्या मैं पेन उठाऊं या तुम बता दोगे? नहीं, तुम जैसा बोलो, तुम चाहते हो मैं पेन उठा लूं तो मैं उठा लूंगा. 2 पाई आर, मोदी जी ने बताया था इसी इलेक्शन में 2019 के इलेक्शन में कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है. तो 2 पाई आर हमने लिखा 2, और सुषमा स्वराज का बयान था कि पाई की वैल्यू 22/7 ली जाएगी इस साल से, और रेडियस यहां पे क्वेश्चन वालों ने दे दिया 4.2. तो 7 से 4.2 को कैंसिल किया गया 0.6. इसके आगे की राम कहानी तुम खुद से कह सकते हो शायद. 26.4 mk शिवम कह रहा है 6.4, नहीं यार 26.4 ज्यादा जेन्युइन लग रहा है मेरे को. ओके तो 26.4 जेन्युइन लग रहा है मुझे भी. अब एग्जाम क्या यार, तुम लोग के जो चैट्स आ रहे हैं ना वो इतने तेजी से ऊपर आ रहे हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. तो उम्मीद रखो कि मैं चैट्स नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है. मैं वैसे थोड़े बहुत अपने टेलीग्राम ग्रुप में तो ले ही सकता हूँ. यार ये कोई बच्चा रो रहा है, कौन रो रहा है यार? ईशिता, क्यों रो रही है ईशिता? बेटा क्या हो गया, तेरे जीवन में किस बात का कष्ट है बता? घर वालों ने बाहर भगा दिया या घर वाले आईफोन नहीं दिला रहे हैं? क्या मुद्दा है? अच्छा 26.4 ये हमने सर्कमफेरेंस निकाला, एरिया निकालने बोला था, ये मैंने देखा नहीं था. फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया, सॉरी मैं एरिया भूल गया था. तो एरिया भी निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर इंटू आर कर लोगे, वैल्यू आ जाएगी 55.44, ठीक है. आगे बढ़े, जल्दी बताओ, शुरू करें आगे बढ़े. चलो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं. ओके फाइन, लेट्स मूव ऑन, हियर वी गो. अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इजी है, ज्यादा टफ नहीं है. फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हूज एरिया इज 301.84 सेंटीमीटर स्क्वायर. इतना गंदा फिगर कौन देता है यार? इनफैक्ट पता है, मैं अगर पहली बार मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा तो, या तुम्हारे हिसाब से मतलब जैसा तुम लोग सोचते हो, तो उस हिसाब से मैं रहता तो मैं सोचता कि यार ये क्वेश्चन घटिया है और मैं शायद इसको आखिरी में सॉल्व करता. लेकिन जो एक समझदार बच्चा होगा वो ये समझेगा कि बोर्ड वाले इतने दर्दनाक लोग नहीं हैं, इतने बुरे भी नहीं हैं. उन्होंने ये वैल्यू दी है तो जरूर ये कैंसिल आउट हो रहा होगा और वो कोशिश करेगा. तो चलो कोशिश करते हैं. तो फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हूज एरिया इज गिवन. तो एरिया है क्या?
pi r square, इसकी वैल्यू इन लोगों ने दे दी 301.84, जो कि दर्दनाक दिख रहा है, कोई बात नहीं। पाई की वैल्यू मुझे पता है 22/7 होता है, और रेडियस स्क्वायर मुझे नहीं पता है, 301.84 वैल्यू है। अब काम क्या करना है तुम्हें कि देखो, एक ही नंबर है जिससे कैंसिल आउट कर सकते हो, वो है 22, isn't it? तो 22 से कैंसिल करने की कोशिश करो। तो करोगे तो क्या आएगा, देखो तुम चाहो इजी अगर करना चाहो तो 11 से कैंसिल कर लेना, लेकिन मेरे लिए 22 इट्स ओके, कर लेंगे हम। तो 22 एक बार में, 22 8 81, तीन बार में 66 और 81 और आई गेस 5 71 15 158, 158 का मतलब सात बार में 154, तो हाँ 154 और 444 दो बार में, सो 13.72, और ये 7 भी इधर चला जाएगा, तो मेरे हिसाब से आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 13.72 इंटू 7। अब भाई ये किसका स्क्वायर है मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है कि मुझे फिर से पता है कि बोर्ड्स वाले मतलब बेरहम नहीं है। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर यहां 7 दिख रहा है एक प्राइम नंबर, तो इसके अंदर एक 7 छुपा हुआ होना चाहिए, तो मैं इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करूंगा।